तो हेलो लड़कों एंड लड़कियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं निकल चला हूँ वाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर के लिए, जो कि रीवा के पास है। तो बहुत ही बेहतरीन ये ब्लॉग रहने वाला है। आप लोग पूरा ब्लॉग देखें और एंजॉय करें इस ब्लॉग को, और जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अब मैं कुछ खा लेता हूँ और फिर आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। तो ब्लॉग जारी रखिएगा। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मुकुंदपुर। तो आप लोग देख सकते हैं ये एंट्रेंस है यहाँ की। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, वाइट टाइगर सफारी एंड जू ये लिखा हुआ है यहाँ। तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन लग रही है यहाँ, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गार्डन टाइप का एरिया छोटा सा बनाया गया हुआ है सामने। तो चलिए अब अंदर चल के देखते हैं अपन। तो ये है यहाँ का मुकुंदपुर का एंट्री गेट, जो कि बहुत ही बेहतरीन व्यू लग रहा है इसका देखने में। जैसे कि अपन अंदर चलते हैं तो अब देखते हैं। एक्चुअली में ये बैग और आपका हेलमेट वगैरह यहाँ बाहर ही रखवा देते हैं, अंदर कुछ भी ले जाने अलाउ नहीं है आपको। तो ये देख सकते हैं टिकट वगैरह ये यहाँ लिखी हुई है, कितने की टिकट है और कैसा क्या है। और ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगेज रूम आपका बनाया गया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और हेलमेट और आपका बैग यहीं रखना पड़ता है। तो एंट्री करते हुए बिल्कुल ये देखने मिलता है आप लोगों को, जो कि ये स्टैचू वगैरह हैं टाइगर के, वाइट टाइगर के। तो ये देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन एरिया बनाया गया हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम लोग पूरा जू घूमने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये गाड़ी आप लोगों को घुमाती है ये पूरा जू, अगर आप लोग पे करते हैं इस गाड़ी का। एक्चुअली में मुझको ज़रूरत नहीं थी बिकॉज़ मैं वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह मेरे को बहुत सारी लेनी थी, तो इसलिए मेरे को पैदल ही सही लगा। जैसे कि सिलसिला चालू हो गया है, हम लोग अंदर जा रहे हैं जू में और वाइट टाइगर सफारी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे आगे। तो आगे बहुत सारे जानवर वगैरह भी मिलने वाले हैं, तो सभी की मैं ब्लॉगिंग करके आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पास। बहुत ही बढ़िया व्यू आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ। आगे और बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अरे बाप रे, ये देख सकते हैं ये बाघ दारा सिंह। बहुत बेहतरीन, क्या भैया? अच्छा, ये नेशनल पार्क सिवनी से लाया गया है। तो ये देख सकते हैं टाइगर बिल्कुल पास आ गया है, ये देखिए बहुत ही बड़ा है। आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा वीडियो में, नहीं है क्या भैया? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। ये देख सकते हैं ये लेटा हुआ है, ये दिख रहा होगा।
ये शेर का बाड़ा है, देखते हैं देखने मिलता है या फिर नहीं मिलता है इस बार। ओ माय गुडनेस, ये देखिए ये बैठा हुआ है, ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। देख सकते हैं आप लोग ये लाइन है। ये भालू का बाड़ा है, ये देखिए भालू। ये देखिए ये पूरे जानवर मिलने वाले हैं अभी आगे चल के। एक्चुअली में गर्मी इतनी हो रही है कि बहुत कम ही जानवर देखने मिल रहे हैं, जैसे कि बाड़े वगैरह कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे कि पीछे देख सकते हैं कि नए बाड़े बन रहे हैं कुछ जानवरों के लिए, तो बहुत कम जानवर देखने को मिल रहे हैं। अधिकतर जानवर वगैरह पूरे बेचारे अंदर ही बैठे हुए हैं, जहाँ उनके रहने खाने की व्यवस्था और पानी वगैरह की, तो अंदर ही वो लोग बैठे हुए हैं पूरे, गर्मी इतनी हो रही है। ये हिरन ये देख रहे होंगे आप लोग, बहुत बेहतरीन बैठे हुए हैं छाया में। ये देख सकते हैं बहुत सारे बारहसिंगा ये खड़े हुए, ये देख सकते हैं इनका झुंड का झुंड खड़ा हुआ पूरा। ये देखिए, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से जाना पड़ता है अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ जाना पड़ता है। ये सामने गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये देख सकते हैं आप लोग सामने गाड़ी में बैठना पड़ेगा जब तक अपन ये सफ़ेद बाघ की कहानी देख लेते हैं। ये इस हॉल में पूरी कहानी वाइट टाइगर पे बताई गई है, जिसका नाम मोहन था। ये देख सकते हैं ये राजा ने पाला हुआ है, जिनकी फ़ोटो लगी हुई थी, तो ये पूरी कहानी इस पूरे हॉल में उसी की बताई जा रही है इसमें। तो ये पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरी उसी की कहानी बताई गई है, मोहन की ही। तो ये फ़ोटो फ्रेम के जरिए बचपन से लेकर के उसके बूढ़े होने तक की पूरी कहानी बताई गई है इस फ़ोटो फ्रेम के जरिए। तो देख सकते हैं ये पूरे हॉल में ये उसका फोटो फ्रेम लगा हुआ है। अब हम लोगों की गाड़ी यहाँ सामने से मिलेगी, तो हम लोगों की गाड़ी जब तक आ रही है तब तक हम लोग यहीं वेट करेंगे। ये देख सकते हैं ये वाइट टाइगर यहीं अंदर ही है, अंदर ही की वीडियो ये चल रही है पूरी। तो एक्चुअली में सीन अब ये है कि वाइट टाइगर सफारी के लिए जो बस जाती है अंदर के लिए, तो वो जब तक नहीं जाएगी जब तक वो फुल नहीं हो जाएगी, और फुल के लिए उसमें कम से कम चाहिए 15 से 20 लोग। अब 15 से 20 लोग ये देख सकते हैं हॉल में सिर्फ मैं अकेला बैठा हूँ, तो अभी तो जाने वाली है नहीं। अब पता नहीं कितना टाइम लगता है, बिकॉज मेरे को आधा घंटे से तो मैं अभी देख रहा हूँ, बहुत टाइम लगने वाला है। कोई बात नहीं, वाइट टाइगर के लिए इतना इंतज़ार तो बनता है, लेकिन इन लोगों को एक व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर 4-5-6 लोग बंदे होते हैं तो इनको छोटी गाड़ी एक भिजवानी चाहिए जिसमें लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो फाइनली टाइम आ गया है अंदर जाने का बस में, तो देख सकते हैं आप कोने वाली सीट पकड़ेंगे। तो सीट में हम लोग बैठ चुके हैं, तो आगे चल के देखते हैं कब शेर मिलता है। तो ये देखिए ये है वाइट टाइगर, जैसे कि लेटा हुआ है रेस्ट कर रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए कोई भी हलचल नहीं कर रहा है, बिकॉज ये शायद सो रहा है, देख सकते हैं। और जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये देख सकते हैं
बाय बाय रघु। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बट जैसे कि यहाँ बताया उन्होंने कि यहाँ दो शेर हैं वाइट टाइगर, तो दो शेर हैं लेकिन एक ही दिख पाया हम लोगों को, एक बहुत अंदर साइड था तो वो सही से दिख नहीं पाया हम लोगों को। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था यहाँ आके, और किसी को भी विज़िट करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है आप लोगों के लिए। ये शुतुरमुर्ग है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा है ये। इसके पैर देख सकते हैं कितने लंबे हैं और गर्दन भी, बहुत ही बड़ा जानवर है। ये छोटा सा वेटिंग एरिया बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि ये पूरा जू हम लोगों ने घूम लिया है, अब पूरा घूम के हम लोग अब बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा जू घूम के। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बुधवार को बंद रहता है, तो अगर आप लोगों को विज़िट करना है तो बुधवार को छोड़ के किसी भी दिन आप लोग आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है गाइस, बहुत ही प्यारी जगह है। तो हमारा ब्लॉग यहीं तक था, तो अब चलते हैं हम घर और आपसे लेते हैं अलविदा। थैंक यू। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।